बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ते में ना आज प्याज की पकौड़ी बना रही थी, क्योंकि बारिश हो रहा था ना, मौसम ठंडा भी था तो मन कर रहा था, बच्चों का भी मन था, तो मैंने सोचा चलो आज ही बनाती हूँ। और यहाँ अभी ना 10 या 10:15 हो रहे होंगे। मेरा डेली का ना यही टाइम हो जाता है, अगर मैं जल्दी उठती तो भी यही टाइम होता है, मतलब इसी टाइम मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ या बनाती हूँ बच्चों को। तब तक मैं, अगर बच्चे जग जाते हैं तो उन लोगों को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, ब्रश वश कर लेते हैं लोग तो, और उसके बाद से जो होता है नाश्ता, मतलब अगर मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ तो इसी टाइम बनाती हूँ। जिसे सुबह उठिए ना तो आदमी सोचता है कि चलो टाइम है तो कुछ ना कुछ काम और कर लें, तो फिर भी देर हो जाता है इसीलिए। और यहाँ मैं फिर नाश्ता करने के बाद इस कमरे में आ गई थी, क्योंकि ये कमरा मैंने नहीं सही किया था, बच्चे अभी सोए हुए थे, मतलब जग गए थे, वैसे ही बिस्तर में पड़े थे, टीवी देख रहे थे अपना, तो झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था लेकिन बिस्तर मैंने नहीं सही की थी, तभी ये लोग नाश्ता वाश्ता करके हट गए हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बिस्तर सही कर लूँगी। और ये जो आप लोग खिड़की पे चादर देख रहे थे ना, तो ये ना मैं रात को यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि खिड़की बंद रहती है, पर्दा तो है लेकिन फिर भी जैसे लगता है ना कि कहीं ना कहीं से हवा आ रही है, ठंडी लगती है, तो रात को मैं इसे डाल देती हूँ। और सुबह होने पे अगर धूप होती है तो उसको हटा दूंगी, अभी देखती हूँ तो मैं इसको हटा दूंगी बाद में। और उसके बाद से ना मैं अपना यहाँ पे बिस्तर सही कर लूँगी। और ये बेडशीट ना, जैसे यही वाली बेडशीट मैं इस मतलब कमरे में बिछाती हूँ, क्योंकि ये इस साइज़ का है, मतलब इस पर फिट आता है और कोई बेडशीट इस पर फिट नहीं आता है, तो ये जब गंदा होता है ना तो मैं इसको धुल के और तो सूख जाता है तुरंत, मतलब इसको मैं सुखा देती हूँ पंखे नीचे या धूप होता है तो धूप में, और उसके बाद फिर मैं इसको बिछा देती हूँ। और जब कभी नहीं धुल पाती हूँ तब 2-4 दिन के लिए मैं छोटा वाला बेडशीट ही इस पर डाल देती हूँ। तो जिसने बेडशीट मैंने मंगाया हुआ था तो ये मतलब डबल तख्ता है ना, तो इस पर नहीं आ पाता है, जितनी भी मैं इस बेडशीट मैंने मंगाई थी गर्मी की हो या विंटर की, तो छोटे पड़ जाते हैं और ये वाला साइज़ सही था, तो इसीलिए ना मैं इसको जब गंदा होता है ना तो धुलती हूँ और सूख जाता है तुरंत इसको लगा देती हूँ। वैसे तो गर्मी वाले बेडशीट भी कहे हैं लेकिन गर्मी वाले कॉटन के हैं ना, तो ठंडी में नहीं अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं बिछाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा बिस्तर सही हो गया है, और कुशन कवर भी मैं धुल दी थी। ये सब चीज़ें ना जल्दी गंदा हो जाती हैं, कलर भी तो ऐसा है, और ये जल्दी सूख भी जाती हैं, मतलब कुछ 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 कपड़े ऐसे होते हैं ना कि तुरंत धुलिए मशीन से निकालिए तो एकदम सूखे सूखे लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, जल्दी सूख गए थे। और ऐसे ऊनी कपड़े तो जो मशीन से निकालिए तो जैसे लगता है कि सूख ही गया है। तो अब यहाँ मैं अपना बिस्तर वस्तर सही कर लें। उसके बाद से ना कुछ कपड़े थे तो मैंने धूप में डाले हुए थे, जिससे सुबह धूप हुई थी, सुबह ही 7 बजे, मतलब बहुत अच्छा धूप हुआ था, जैसे लग रहा था मतलब दिन भर ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद ना अजीब बदरी मौसम हो गया, जैसे बारिश आने वाली हो, तो फिर भी मैंने धूप में उसी समय डाल दिया था, लेकिन हवा से भी कपड़े सूख गए थे। कपड़े तो वैसे अंदर ही सूख गए थे, मैं बेड पे ना, बेड वाले जो मेरा बेडरूम है उस कमरे में ना बेड पे मैं फैला के और पंखा चला दी थी रात को, तो कपड़े सूख गए थे, लेकिन मैंने सोचा धूप हुआ है तो चलो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन धूप ही ख़त्म हो गया, फिर भी सूख गया था। तो जो मतलब एकदम से सूख गया उसको मैं उठा लूँगी। और ये जीन्स उन्स है ना, ये थोड़ा मोटे होते हैं ना तो टाइम लग जाता है, नहीं सूख पाता है, तो 2-4 कपड़े ऐसे हैं जिनको मैं छोड़ दूँगी, बाद में सूख जाएगा तो फिर लाऊँगी। और छोटे वाले कपड़े ना मैं अंदर ही डाली थी तो उसको भी, वो भी सूख गए हैं, लेकिन अभी उसको नहीं मतलब फोल्ड करूँगी, अभी थोड़ी देर और बाहर ही फैला के छोड़ दूँगी, थोड़ी और हवा लग जाएगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे ना यहीं बेड पे मैं रात को पंखा चला के फैला दी थी तो सूख गए थे, और ये कूलर है ना इसके ऊपर भी जो कपड़े नहीं बेड पे आ पाए थे कुछ, तो इसके ऊपर डाल दी थी तो सूख जाते हैं, जैसे पंखे से भी मशीन में सूखे ही रहते हैं, पंखे से भी लगता है, हवा लगता है ना तो सूख जाता है कपड़ा, लेकिन धूप में सूखता है तो बात ही अलग होती है, मतलब जैसे अंदर कितना भी सुखा लो ना एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो अब मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख लूँगी। Oh,
कपड़े उपड़े फोल्ड करने के बाद देखिए हो गए थे 12:30। तो उसके बाद से फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। सुबह के ना नाश्ते के कुछ बर्तन थे तो उसको मैं धुली थी, तो अब उसको मैं अपने जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद ना मैं थोड़ी सी बनाऊँगी तहरी। तो वैसे मन नहीं था हम लोग का, दोनों हस्बैंड का और मेरा, दोनों लोग का खाने का। जैसे पकौड़ी कौड़ी खा लीजिए ना तो अजीब जैसे लगता है पेट एकदम से, दिन भर वैसे भरा भरा। तो बनाऊंगी मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए, तो उसी में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दूंगी, तो मन होगा तो हम लोग भी खा लेंगे। और यहाँ मैं दूध के लिए बर्तन रख दी थी, और उसके बसे सारे बर्तन मैं लगा दूंगी, सेट कर दूंगी अपने जगह पे। और दूध में मैं छन्नी इसलिए डाली हूँ ना कि मैं जब दूध लेती हूँ ना तो छन्नी से छान के लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी दूध में कुछ पड़ा उड़ा रहता है। तो इस वजह से मैं दूध, कभी भी दूध लेती हूँ तो बिना छाने हुए दूध नहीं लेती हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने बर्तन को सेट कर दूंगी। से ना अब ये बर्तन वाला टोकरी मेरा खाली हो गया था, तो जब खाली होता है ना तभी मैं इसको धुल देती हूँ। कभी कोई टाइम नहीं होता है कि सुबह शाम या जब भी, जब मतलब बर्तन से खाली पड़ा रहता है तभी मैं इसको धुल देती हूँ। तो अब मैं इसको धुल के यहाँ पे रख लूँगी, उसके बाद से ना फिर मैं कुछ जो भी काम है वो करूँगी। और यहाँ पे ना सुबह से लेके 12:30 हो गए थे, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं मिला था। मतलब कभी कभी ना किसी किसी दिन पूरे दिन कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, और एक हाउस वाइफ के लिए तो कभी संडे होती ही नहीं है। आदमी सोचे कि हाँ चलो हफ्ते में एक दिन छुट्टी कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेली की डेली काम तो होती ही है, सबके घर में काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और काम करिए ना, दिन भर कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रह जाता है। अगर ना करिए तो कोई काम नहीं है, लेकिन करते रहिए तो दिन भर कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम तो होता ही है। तो अब यहाँ पे मेरा बर्तन तो धुल चुका है, और उसके बाद से ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी चने की दाल भिगो देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है ना कि शाम को वो चावल के फरे बनाऊँगी, चावल के आटे के, लेकिन मैं नहीं बनाई थी। शाम को ना हस्बैंड ना मछली ला दिए थे, वो मछली की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, क्योंकि जिसे ना यूट्यूब पे बहुत लोग को नहीं पसंद होता है, जिसे नहीं बहुत लोग नहीं खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। जब आप लोग कहेंगे ना तो मैं कभी और किसी दिन से आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे ना मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही थी, मैंने बताया था आप लोगों को मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। और उसके बाद से ना पानी उनी पीने के बाद कुछ देर तक बैठी थी, बच्चों ने खाना पीना नहीं खाया था, उन लोगों का मन था हलवा खाने का, सूजी का, तो खाना मेरा वैसे ही पड़ा है अभी, तो देखेंगे लोग बाद में मन होगा तो ये लोग खा लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सूजी का हलवा बनाने के लिए, और दूध आया हुआ था ना तो मैं नहीं गर्म करती थी, भूल गई थी वैसे ही रखे। तो मैं यहाँ पे बाद में जब हलवा बना रही थी तब गर्म की थी, और यहाँ पे 3:30 हो रहे होंगे शाम की, तो तब जाके मैं दूध गर्म कर रही थी। कभी कभी मन नहीं होता, और ठंडी है ना तो ठंडी में मतलब दूध फटने का डर भी नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी मतलब आलस भी कर लेती हूँ, कभी नहीं भूल जाता है, कभी कभी नहीं मन होता है, सोचती चलो बाद में चल के रख दूँगी, गर्म कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया, मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। तो बस यहीं तक था मेरी आज की वीडियो, और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बाहर की आप लोग को मतलब व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए शिमला मिर्च कितने सारे फूल आए हैं ना, और सारे फूलों में ना फल भी आ गए हैं। और ये है मेरा धनिया पत्ता। और शाम को ना मौसम बहुत ख़राब हो गया था, एकदम जैसे लग रहा था ना कि तुरंत बहुत तेज़ बारिश आएगी, हवा भी थी। तो बस यही छोटी सी आज की मेरी वीडियो थी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे वीडियो ना तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय, और आप लोग इन्जॉय कीजिए और अपना ध्यान रखें। तो बाय, थैंक यू। और ये देखिए बाहर का मौसम मतलब बहुत ख़राब मौसम हुआ था, जैसे आंधी जैसी नहीं आती है, आंधी टाइप का जैसे आंधी आने वाला हो। तो ये देखिए।